सोनभद्र में ट्रैक मेंटेनेंस ट्रेन के पटरी से उतर जाने से घंटों तक ट्रेन परिचालन बाधित रहा। चुरक और अघोरी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक मेंटेनेंस ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके कारण दो पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया और दो एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया। आपको बता दें कि लगभग 13 घंटों तक रूट परिचालन बाधित रहा। ट्रैक तो बाधित रहा आपका 12-13 घंटा। जी, कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं इससे? 28, 73 जी और 43-69 अब त्रिवेणी जी और 81-2 जी और इंटरसिटी 53-45 जी 53-52 जी। तो सर ये अब क्या स्थिति है? अब तो क्लियर हो गया है कि ट्रैक हमारा। ट्रैक को क्लियर कराने के लिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के साथ क्रेन को मुगलसराय से बुलाया गया, जिसके बाद ट्रैक को क्लियर किया गया। फिलहाल ट्रैक को क्लियर कर दिया गया है और ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोनभद्र से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट।